कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी, स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार, 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तदान। भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में चौथे अध्याय के अंतर्गत देवों के चार भेदों का वर्णन, उनके 10 पदों का वर्णन, उनकी लेश्या, उनका प्रविचार, वो पहले में हुआ। उसके बाद पिछले वाले में भवनवासियों के भेद, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के भेद, और ज्योतिषी देवों के द्वारा किस तरह सारा ये कालचक्र चलता है, इसका वर्णन हुआ। भवनत्रिक देवों का वर्णन हो गया, अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। वैमानिकाः, 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 वैमानिकाः। जो विशेष मान सम्मान के योग्य होते हैं या जो विमानों में रहते हैं ऊपर स्वर्ग में, उन्हें कहते हैं वैमानिक देव। हम इस सूत्र का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि अब वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंभ होता है। इस तरह सूत्र का अर्थ लगाना चाहिए। वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं देखें। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। शब्द से अर्थ निकाले, कल्प उपपन्न, जो कल्पनाओं में उपपन्न हुए हों, और कल्पातीत, जो कल्पनाओं से परे हैं। पहले देव हैं कल्पोपपन्न, जिनमें इंद्र सामानिक आदि कल्पनाएं हैं। ये कहाँ तक होती हैं? 16वें स्वर्ग तक। तो कल्पोपपन्न माने 16वें स्वर्ग तक के देव, और कल्पातीत माने जिनमें ये कल्पनाएं नहीं होती, अर्थात सभी अहमिंद्र होते हैं। वे कौन हुए? ग्रैवेयक, अनुत्तर और अनुदिश विमानी देव। ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर में जो देव रहते हैं उनमें ये कल्पनाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें हम कहते हैं कल्पातीत। तो वैमानिक देवों के दो भेद हैं, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। कल्पोपपन्न माने 16वें स्वर्ग तक के देव, कल्पातीत माने ऊपर ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव। ऊपर युपरी, ऊपर युपरी, ऊपर युपरी, ऊपर युपरी, अर्थात ये वैमानिक देव जो हैं ऊपर ऊपर हैं ऐसे।
ये कहाँ हैं सारे के सारे? ये मेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर हैं सारे वैमानिक देव, और ये ऊपर ऊपर हैं। तो फिर इन वैमानिक देवों का निवास स्थान किन विमानों में है? उन विमानों के नाम, स्वर्गों के नाम आगे बताते हैं। सौधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत योरारणाच्युत योर नवसु ग्रैवेयकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौच बोलिए। सौधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणयोरारणाच्युतयोर् नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इसका अर्थ हम बोर्ड से समझते हैं। इस सूत्र में उन सब विमानों का नाम है जिन विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। ये हैं कैसे? 16 स्वर्ग हैं, ऊपर 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। इन विमानों में रहते हैं। सूत्र से अब सबका अर्थ निकालते हैं। सौधर्म और ईशान, पहला दूसरा स्वर्ग। सानत कुमार महेंद्र, तीसरा चौथा स्वर्ग। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, पांचवा और छठवां स्वर्ग। लांतव कापिष्ठ, सातवां आठवां स्वर्ग। शुक्र महाशुक्र, नौवां और दसवां स्वर्ग। शतार और सहस्रारेषु, यहां हमें संधि विच्छेद करना है। संधि यहां टूट रही है, देखो संधि विच्छेद करना है। शतार सहस्रारेषु अर्थात 11 में और 12 में स्वर्ग में। इसके आगे आनत प्राणत यो हो, इन दोनों में, आनत और प्राणत यो हो, इन दोनों स्वर्गों में। और यहां संधि विच्छेद किया तो आरण अच्युत यो हो, आरण और अच्युत। इस प्रकार यहां तक 16 स्वर्ग हो गए। इसके बाद नवशु ग्रैवेय केशु, दो जगह संधि टूटी है इसलिए 9 ग्रैवेयक और अनुदिशों में, 9 ग्रैवेयक और 9 अनुदिशों में। इसके बाद 5 अनुत्तर, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इनमें वैमानिक देवों का निवास है। सूत्र बड़ा जरूर है पर बिल्कुल सरल है, दिक्कत जरा भी नहीं है। एक बार फिर देखें। सौधर्म और ईशान, पहला दूसरा स्वर्ग। सानत कुमार महेंद्र, तीसरा चौथा स्वर्ग। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, पांचवा छठा स्वर्ग। लांतव कापिष्ठ, सातवां आठवां। शुक्र महाशुक्र, नौवां दसवां। सतार सहस्रार, ग्यारवां और बारवां। संधि विच्छेद तोड़ी यहाँ। आनत और प्राणत 13वां 14वां। आरण और अच्युत 15 में और 16 में स्वर्ग में। यहां तक चर्चा हुई कल्पोपपन्न की। अब कल्पातीत, नवशु ग्रैवेय केशु, 9 ग्रैवेयकों में और अनुदिशों में। अब आए 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये आपके सामने 3 लोक का नक्शा है, अधोलोक मध्यलोक और पाताल लोक। इसमें ये मध्यलोक की लाइन है, इससे नीचे अधोलोक है और इससे ऊपर
ये ऊर्ध लोक है। इस चित्रा पृथ्वी, ये जो है ये पृथ्वी का ये ऊपरी भाग है ना, खर भाग के ऊपर ये चित्रा पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये मध्य लोक। तो चित्रा पृथ्वी की जड़ से ऊपर तक सात राजू और चित्रा पृथ्वी की जड़ से नीचे तक सात राजू, कुल मिला के यहां से और अंत की लाइन तक ये चौदह राजू लंबा है। सात राजू में अधोलोक है और सात राजू में मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों हैं। अब इसमें जो विमान हमने अभी पढ़े, ये विमान कहाँ कहाँ पे हैं? देखें जरा, ये सौधर्म और ये ईशान लिखा है, देखो सौधर्म और ईशान, ये कितने में है? डेढ़ राजू में, डेढ़ राजू लिखा हुआ है। फिर सानत कुमार माहेंद्र, ये डेढ़ राजू में है, यहां तक तीन राजू हो गया। तीन से आगे आधे राजू में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लिखा है, देखो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। फिर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण और अच्युत, ये यहां से और यहां तक छह राजू ऊर्ध्वलोक तक, ये वैमानिक सोलहवें स्वर्ग तक के देवों का निवास है। अब इससे ऊपर एक राजू और बचता है, उस एक राजू में क्या है? ये जो नौ लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, सोलहवें स्वर्ग से ऊपर ये नौ ग्रहवेयक हैं, जो नौ लाइन दिखाई है एक के नीचे एक, सबसे नीचे पहला ग्रहवेयक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। इसके बाद ये जो आपको नौ शिखर दिख रहे हैं, ये हैं नौ अनुदिश, ये एक पटल में हैं, चार चार दिशाओं में, चार चार विदिशाओं में और एक बीच में। ये नौ हमने इस तरह दिखाए हैं, पर ये नौ इस तरह हैं, चार दिशाओं में, चार विदिशाओं में और एक बीच में। इसके ऊपर फिर ये आ गए विजय वैजयंत जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये अनुत्तर विमान है पांच। अनुत्तर विमानों के बाद क्या है? अनुत्तर विमानों के बाद बारह योजन जगह खाली छोड़ दो सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर, फिर ये आठ योजन मोटी, ये अष्टम पृथ्वी है। हम बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आठों द्रव्य लिए, ये अष्टम पृथ्वी, अष्टम वसुधा कौन? ये अष्टम वसुधा, इसमें ये क्या है? ये है सिद्ध शिला, ये सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला के ऊपर क्या है? फिर तीन वात वले हैं, पहला घनोदधि वले, फिर घनवात वले और फिर तनुवात वले। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? इस सिद्ध शिला पे नहीं, सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं तनुवात वले के अंत में, जहां लोक समाप्त होता है, सारे सिद्ध भगवानों के सिर वहां स्पर्श करते हुए होते हैं। इस तरह ये ऊपर ऊर्ध्वलोक का चित्रण है। वैमानिक देवों के कुल कितने पटल हैं? पटल कहते हैं विमानों की पंक्तियां, जैसे एक मकान में फ्लोर होते हैं, इसी तरह कुल कितने फ्लोर विमानों के हैं? सोलहवें स्वर्ग तक बामन पटल हैं, नौ ग्रहवेयक के नौ पटल हैं, बामन और नौ इकसठ, नौ अनुदिश का एक पटल है और पांच अनुत्तर का एक पटल है। इस तरह ऊर्ध्वलोक में कुल तिरसठ पटल हैं। सबसे ज्यादा पटल सौधर्म और ईशान स्वर्ग में है, जिनकी संख्या 31 है। कुल पटल कितने? 63 पटल ऊपर वैमानिक देवों के हैं। वैमानिक देवों में कुल कितने विमान हैं? ऊपर स्वर्गों में कुल विमान है 84,97,023। प्रत्येक विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय हैं। तो ऊर्ध्वलोक के जिनाले भी 84,97,023 गिने जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल विमान 84,97,023 और उनमें प्रत्येक जिनाले के 108 प्रतिमाओं का गुणा कर लो
कुल मिला के इतनी प्रतिमाएं उन सारे विमानों में हैं। सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि विमान को अलग से क्यों दिखाया है? इसका कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि में पैदा होने वाले सभी देव अगले जन्म में मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इनका सिर्फ एक भव और शेष रह गया है मनुष्य पर्याय का। सब सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य पर्याय धारण करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष पधारेंगे। ये विशेषता होने के कारण उसको सबसे अलग दिखाया है। और अन्य देव भी हैं जो एक भवावतारी होते हैं? एक भवावतारी का मतलब होता है जिनका अब सिर्फ एक मनुष्य भव लेना शेष है और मोक्ष चले जाएंगे। आपका प्रश्न है क्या और भी कोई देव ऐसे होते हैं क्या? हाँ होते तो हैं। जैसे सभी सौधर्म इंद्र, उनकी सची नाम की इंद्राणी, उनके सभी लोकपाल, सारे दक्षिणेंद्र, सभी सर्वार्थ सिद्धि के देव और सारे लोकांतिक देव, ये देव इतने महान होते हैं कि अगले भव में मनुष्य बनेंगे, नियम से मोक्ष जाते हैं। प्रश्न अब खड़ा होता है, ये ऊपर ऊपर जो वैमानिक देव रहते हैं इनमें किन किन बातों की अधिकता पाई जाती है? अगला सूत्र देखिए, स्थिति प्रभाव, स्थिति प्रभाव, सुख द्युतिलेश्या, सुख द्युतिलेश्या, विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तोधिकाः, विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तोधिकाः। दोबारा बोलिए, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तोधिकाः। नीचे से ऊपर के विमानों में ये बातें अधिक अधिक हैं। सूत्र देखें, सूत्र बहुत सरल है, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्याभिशुद्धि और इंद्रिय लेश्याभिशुद्धि और इंद्रिय विषय और अवधिक ज्ञान की अधिकता, ये नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है। अर्थात पहला विषय आया स्थिति, नीचे से ऊपर के पटलों में, ऊपर के स्वर्गों में, विमानों में आयु ज्यादा ज्यादा है। अर्थात सबसे कम वाले आयु वाले कहाँ मिलेंगे? पहले दूसरे स्वर्ग के पहले पटल में सबसे कम, उससे फिर ज्यादा 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 वाले मिलेंगे। तो स्थिति माने नीचे से ऊपर ऊपर आयु ज्यादा ज्यादा है। प्रभाव शापानुग्रह शक्ति, अच्छा अर्थात अच्छे बुरे करने की सामर्थ्य, पावर समर्थता, ये नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है। सुख नीचे से ऊपर सुख ज्यादा ज्यादा है। द्युति शरीर की आभरणों आदि की कांति नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है। लेश्या की विशुद्धि अर्थात लेश्या नीचे पीत है, ऊपर विशुद्ध होते 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 ऊपर जाके परम शुक्ल लेश्या हो जाती है। नीचे से ऊपर लेश्या की विशुद्धि ज्यादा ज्यादा है। इंद्रिय विषयों की अधिकता, पांचों इंद्रियों का विषय नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है और अवधिक ज्ञान की सीमाएं भी नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है। विशेष वर्णन अगर आपको देखना हो तो सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि ग्रंथ में देख लें, यहाँ हम संक्षेप से ही पढ़ा पाएंगे, नहीं अन्यथा ये विषय बहुत हो जाएगा। अगला सूत्र ये बता रहा है कि नीचे से ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या चीजें कम है। गति शरीर परिग्रह विमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह विमान तो हीना। बोलिए, गति शरीर परिग्रह विमान तो हीना। चार बातें बताई, गति शरीर परिग्रह और अभिमान, इनकी अपेक्षा से नीचे से ऊपर के विमानों में ये चार बातें कम कम हैं। वहां कहा था पहले सूत्र में अधिकाहा, अब कह रहे हैं हीनाहा। ये चार बातें ऊपर ऊपर कम पाई जाएंगी। कौन कौन? पहली बात तो गति, गति माने आवागमन, आना जाना, भाग दौड़।
नीचे से ऊपर के विमानों में गति कम होती है। शरीर नीचे से ऊपर के विमान में छोटा 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 होता है। परिग्रह भी नीचे से ऊपर के विमानों में कम होता है। और अभिमान माने अहंकार, मान कषाय की तीव्रता नीचे से ऊपर के विमानों में कम कम पाई जाती है। इसका कारण जरा और देखते हैं। जैसे नीचे से ऊपर के विमानों में गति कम क्यों है? कषाय की तीव्रता होती है, वही आदमी भाग दौड़ ज्यादा करते हैं। कषाय की मंदता वाले भाग दौड़ कम करते हैं, प्राप्त धन में संतोष रख। देवों में नीचे से ऊपर लेशा की विशुद्धि है, नीचे पीत ऊपर पद्म शुक्ल और परम शुक्ल, इसलिए ऊपर ऊपर आवागमन कम है। और तो और 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं ग्रैवेक अनुदिश और अनुत्तर विमान वाले, वे तो भगवान के कल्याणकों में भी नहीं आते, इतने शांत परिणामी होते हैं। कल्याणकों का अवधिक ज्ञान से ज्ञान हुआ, खड़े हुए और 7 कदम आगे बढ़े, वहीं से नमोस्तु भगवान को अवधिक ज्ञान से देख के कर लेते हैं, आना जाना उनको नहीं सुहाता। नीचे से ऊपर गति माने आवागमन कम है। शरीर देखिए, 100 उम्र ईशान स्वर्ग में शरीर कितना बड़ा, 7 हाथ, छोटा होते 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 ऊपर अनुत्तर सर्वार सिद्धि में मात्र 1 हाथ बस। नीचे 7 हाथ है और ऊपर शरीर की अवगाहना कम होते 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 1 हाथ रह गई है, इसलिए शरीर की अपेक्षा भी नीचे से ऊपर हीना है। परिग्रह कषाय की तीव्रता होती है, तब परिग्रह एकत्र किया जाता है। यहाँ कषाय की ऊपर ऊपर मंदता है, क्यों? क्योंकि लेशा की विशुद्धि है, इसलिए परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम है। और चाहे चौथा गुणस्थान हो, अभिमान मान कषाय है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तीनों, लेकिन फिर भी जो अहंकार नाम की चीज, जो अभिमान नाम की चीज है, वो कम कम है, अर्थात शांत परिणामी है। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? नीचे से ऊपर के देवों में, स्वधर्म स्वर्ग से ऊपर के देवों में गति माने आना जाना, शरीर की अवगाहना, परिग्रह और अभिमान कम कम होता है। आगे बताते हैं कि इन वैमानिक देवों में लेशा कौन सी होती है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रि शेषेषु, बोलिए, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रि शेषेषु, अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग में पीतलेशा है पहले दूसरे में, तीसरे चौथे स्वर्ग दूसरे युगल में नीचे पीत ऊपर पद्म है, 5, 6, 7 और 8वें स्वर्ग में पद्मलेशा है, 9, 10, 11, 12 में पद्म और शुक्ल है, और उसके बाद सभी कल्पोपन्नों में और कल्पातीतों में शुक्ललेशा है। ऊपर इतना अंतर जरूर है, ग्रैवेकों में शुक्ललेशा है और अनुदिश और अनुत्तरों में परम शुक्ललेशा है। दोबारा देख लें, सूत्र का अर्थ क्या है? पीतलेशा 2 युगलों में, पद्मलेशा 3 युगलों में और शुक्ललेशा शेष युगलों में, शेष विमानों में है। भावार्थ करेंगे तो ये बनेगा, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत, तीसरे और चौथे में नीचे पीत ऊपर पद्म, 5, 6, 7, 8 में पद्मलेशा है, 9, 10, 11, 12 में पद्म और शुक्ल दोनों है, 13, 14, 15, 16 में स्वर्ग में शुक्ललेशा है, 9 ग्रैवेकों में शुक्ललेशा है और अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ललेशा है। वैमानिक देवों की चर्चा में वे कहाँ रहते हैं, उनके विमान ऊपर ऊपर हैं, नीचे से ऊपर किन बातों की अधिकता है, किन बातों की कमी है और उनकी लेशा है, इसका परिचय आज इस पाठशाला में हुआ। अब शेष वैमानिक देवों की और चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार। 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तान।